हम जब किसी इंसान की उम्र की बात करते हैं ना, तो हमारा जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। हम बोलते हैं यार 70 साल जी लेंगे, बढ़िया 80 साल जी लेंगे, इससे ऊपर तो नहीं जी सकते। बहुत ही कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 100 साल जिएंगे। और एक वक्त था जब लोगों की उम्र 90 साल, 100 साल, 110 साल तक होती थी, शायद इससे भी ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। आज की वीडियो वाकई में ऐसी होने वाली है जो आपकी आंखों को खोल देगी, और आप लोग खुद से कंपेयर कर पाओगे कि आप ये सारी चीजें फेस करते थे पर ये नहीं पता था कि इसका कारण ये है। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो होने वाला है एसी में सोने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या साइड इफेक्ट्स ऑफ स्लीपिंग इन एसी। और ये सारी चीजें मैंने खुद से भी फेस करी, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर रही हूं कि आप लोगों को कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, कैसे आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। देखिए, सबसे पहली बात, एक आइडल जो टेम्परेचर है रूम का एक बंदे को फिट रखने के लिए 24-25 डिग्री तक सफिशिएंट है, जहां पे आप अपनी बॉडी में एक टेम्परेचर, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हो, ना उससे डाउन हो बहुत ज्यादा, ना उससे बहुत ज्यादा अप हो। इतने में आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहेगा और आप आराम से सो सकते हो। अब ट्रेंड क्या आ गया है, 16 पे टेम्परेचर करेंगे, उसके बाद कंबल लेके सोएंगे। अरे भाई, अगर इतनी ठंड लग रही है, आप टेम्परेचर उतना मेंटेन कर लो, चादर लेके सो जाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं करेंगे, वो टशन में इंसान अपनी बॉडी को कब खराब कर लेता है वो पता ही नहीं चलता। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप खुद से कंपेयर करना। जब आप एसी में सोते हो, 99% लोगों के गले में ड्राइनेस होती है, गले में अजीब सी ना, जब सुबह उठोगे ड्राइनेस होगी, बॉडी में स्टिफनेस होगी, जब आप उठना चाहोगे ना आप एक्टिवली उठोगे नहीं। और बहुत सारे लोग क्या फील करते होंगे, उनके ना शरीर में दर्द होना शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी को वो मेंटेन तो कर रहा है, पर सारी चीजों को खींच रहा है, जितनी एक्चुअल में रिक्वायर्ड है वो भी नहीं रहने दे रहा। ठीक है, टेम्परेचर को वो इतना मेंटेन कर रहा है पर आपकी बॉडी को खराब करना स्टार्ट कर देता है। बॉडी में एक अजीब सी पेन होना, अजीब सी अकड़न होना, और बहुत सारे लोगों को फील होगा जो उनके घुटने के नीचे का हिस्सा है, जो काफ मसल है, वो ऐसे पलट जाती है। ऐसे लगेगा रात को ना वो पूरी पलट गई, उसमें इतनी भयंकर पेन होगी कि इंसान चिल्लाना शुरू कर देगा। ये सारे कॉमन इश्यू हैं जो मोस्टली लोग फेस कर रहे हैं एसी में सोने से। दूसरी चीज, अब आप अस्थमा के पेशेंट हो, साइनस का इश्यू है, ठीक है, सीओपीडी है, एम्फसीमा है, कोई भी ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, राइनाइटिस है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, एसी में सो रहे हो। अंदर ऑलरेडी आपके लंग्स में जो एक्सपायरेशन है, इंस्पिरेशन है, मतलब वो सारी चीजें जो हैं, ऑलरेडी आपका जो लंग्स है वो फोर्सफुली बाहर को सांस छोड़ रहा है, अंदर को खींच रहा है, ठीक है, इंस्पायर, और वो सारी उसकी प्रोसेसेस अलग हो रही हैं। और जब आप वैसे सोते हो तो आप और ज्यादा ये इशू फेस करना स्टार्ट करते हो। अब ऑलरेडी जिसके चेस्ट में कंजेशन है, एकदम 16 पे वो सो जाए टेम्परेचर करके, तो बॉडी तो यार खराब होगी ना, वो तो सारी चीजें वहां पे चिपकना स्टार्ट होंगी, ब्रीदिंग और डिफिकल्टी आएगी, लोग नेबुलाइजर ले रहे हैं, इनहेलर ले रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप एसी ही बंद कर दो, वो तो खैर पॉसिबल है नहीं। और दूसरा क्या होता है, जब कमरा बहुत ठंडा हो जाता है तो हमें तो नींद में पता नहीं चलता, और वो पूरी पूरी रात एसी चलता है, तो और ज्यादा हार्मफुल है। तो सबसे बेस्ट है टेम्परेचर रूम का मेंटेन रखिए 24 तक, सबसे बढ़िया। मत लो ना कंबल, पतली चादर लेके सो जाओ। दूसरी चीज, जब भी आप एसी लगा के सो रहे हैं, आप उसमें टाइमर फिक्स कर दीजिए, 4 घंटे 5 घंटे, इतने में रूम टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाता है कि आप सुबह तक आराम से सो सकते हैं। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी बहुत लिथार्जिक हो गई है ना, और एकदम रिलैक्स फेज में चलेगी, वो एक्टिव होगी, पेन कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो गले में ड्राइनेस है वो कम होगी। और मैंने क्या देखा, बेचारे जिनके जॉइंट पेन है, शियाटिका है, अर्थराइटिस है, वो बेचारे एसी में सो जाए, सुबह तक शरीर वैसे ही नहीं चलता। तो वहां पे कंपैरिजन आता है कि नॉर्मल इंसान का ही नहीं चल रहा, तो गठिया वाय वाला वहां पे कहां जाएगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और आयुर्वेद हमेशा इन चीजों की मैनेजमेंट बताता है, कैसे आप बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करो, ठीक है, कैसे आप बॉडी को बैलेंस रखो। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिन बीमारियों से आप थक चुके हैं ना, आप एक बार मुझसे कांटेक्ट करो, मेरी रेमेडीज ट्राई करो, आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, जो आधी बच गई है वो आप हमारे ट्रीटमेंट से खत्म कर सकते हो। जो ये नंबर आ रहा है, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ विजिट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है, आपको डेट बताई जाती है कि आप इस दिन आ सकते हो, शेड्यूल किया जाता है, और फिर आपको विजिट करना होता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि मैम, अगर ये चीज है तो आज तो सारी दुनिया एसी में सो रही है, तो क्या लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकते, वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत यहाँ पे सच होती है। अब यहाँ ना मैं आपको बिल्कुल लॉजिक से चीजें समझाती हूँ। पहले पंखे नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, ठीक है, लोग फिट रहते थे,
गर्मी होती थी। मैं मानती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में बहुत चेंज आया है, लेकिन उसके साथ हमारी बीमारियों में भी चेंज आया है। ठीक है, टाइम के साथ साथ बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखना, पंखा चला के सोना, कंफर्टर की जगह चादर की जगह सिंपल ऐसे सोना, तब भी बॉडी मेंटेन रहेगी और हेल्दी वे में आप उसे प्रमोट कर सकते हो। दूसरी चीज, जैसे बच्चे जो है हॉस्टल में करते हैं, क्योंकि यार हॉस्टल में तो एसी होते नहीं है, तो क्या करते थे बच्चे, या इवन हम भी कई बार करते थे, बहुत गर्मी होती थी ना, तो हम चादर को क्या करते थे, गीला करके पूरा निचोड़ लेते थे, पंखा चलाते थे, उसको लेते थे, ठंडा ठंडा लगता था और सो जाते थे। ये उल्टे सीधे काम हमने भी बहुत किए। ये चीज आइडियली बहुत प्रेफरेबल है कि आप जब सो रहे हो आप बेड पे ना थोड़ा पानी छिड़का लो और आप उस पर आराम से सो जाओ, बहुत अच्छा फील होता है भाई। और आप बोलोगे कि इससे बेस्ट चीज नहीं, और आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जिनके घर में एसी नहीं है वो इस चीज को प्रेफर करते हैं। अब इसमें बात आती है कूलर की। अब देखो, आप कूलर लगा के सो कितनी चिपचिप हो जाती है, जब आप सुबह उठते हो आपकी पूरी बॉडी पे ना चिपचिप होती है, पूरा पानी अलग से हो रहा होता है, घबराहट होती है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी वहां पे वो कर रहा है। ठीक है, अब वहां पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो सफोकेशन भी होगी, तो ब्रीदिंग पे तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। और जनरली 90% लोग ऐसे हैं जो एसी चला के सोते हैं कूलर में, वो फेस कवर करके सोते हैं। क्यों सो रहे हो आप फेस कवर करके, वहां पे आपकी जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो जैसे आप ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, वो पूरा कैसे एक्सचेंज हो रहा है आपको खुद नहीं समझ आएगा। इसलिए कहते हैं कि भले पुरानी टेक्निक्स अच्छी थी, एडवांसमेंट ने उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया, लेकिन हम कमियां निकालते हैं पुरानी टेक्निक्स में। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो साइड इफेक्ट के साथ है, और पुरानी टेक्निक जितनी भी अच्छी थी वो प्योर थी। तो यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और एड ऑन करूंगी, एयर प्यूरिफायर। आज के टाइम में कंपनीज ने ना मतलब ऐसे ऐसे प्यूरिफायर बना दिए कि आप अपने रूम में करो, ये आपके इंडक्स को मेंटेन करेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ कि यार ऐसा दुनिया में, यहाँ दिल्ली 400 पार हो जाता है, ठीक है, कितनी ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे जो है इंडक्स पॉल्यूशन का एक अलग लेवल पे, इतनी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं लगाते उस चीज को मेंटेन करने में। मतलब मार्केटिंग का लेवल भी एक अलग है। कमरे की हवा को खींच के उसमें ऐसा क्या है कि वो इतना प्यूरिफाई कर रहा है, 99.9% एक्यूरेसी, और कोई सवाल करते तो जो 0.1% बचा है वही पे गलती रहेगी, ऐसा कैसे। तो प्लीज आप इन चीजों की तरफ मत जाइए। हवा है, अपने घर में पेड़ लगाओ, ठीक है, सबसे बेस्ट है। आजकल तो इंडोर प्लांट्स इतने अच्छे अच्छे आने लग गए हैं, हाइब्रिड प्लांट है जो एयर को इतना ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं, आप उन चीजों को फॉलो करो, लेकिन ये बेफालतू की चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ। ठीक है, टेम्परेचर उतना लेके चलो जितने में आप हेल्दी वे में रिलैक्स होके सो जाओ और शरीर की बीमारियों को खुद के पास ना आने दो। लास्ट, इन चीजों को मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सोना तो है ही अब, तो डेली अपना वर्कआउट करो, 30 मिनट में एटलीस्ट शरीर की स्ट्रेचिंग किया करो। ठीक है, बाजू को ऊपर करके दोनों को, साइड बॉडी की, चेस्ट की, ठीक है, फीमेल्स में आप अपनी एक्सरसाइज करो, पवन मुक्त आसन करो, शवासन करो, मेडिटेशन करो। ये चीजें मैनेजमेंट में इतना हेल्प करती है ना कि बॉडी ऑटोमेटिकली और ज्यादा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि हर इंसान आज के टाइम में इतना भागा पड़ा है ना कि वो जब रेस्ट फेज में जाता है ना तो वो इतना सोचता नहीं है, बस वो फॉलो कर रहा है भेड़ चाल को, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी। और बाकी आप अदर स्टेट में देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, हर चीज है, आप देखो ना कि लोग कैसे कैसे इश्यू फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके इश्यू जो है वो आपसे कंपेयर किए जाए फिर भी कम होगी, क्योंकि वो नेचर के साथ है। यहाँ पे आप अगेंस्ट नेचर जाके आर्टिफिशियली उन चीजों को जो है प्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसे इटली में जो एक सर्वे हुआ था वहां पे बताया गया था कि अगर आप रूम का टेम्परेचर 24-25 तक रखते हो तो आप अपनी बीमारियों को 50% तक कम कर सकते हो, क्योंकि गर्मी में कोई नहीं सोना चाहेगा, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, लेकिन आप 24-25 और टाइमर लगा के रखो और एक महीना इस रूटीन को फॉलो करो, आप लोग डिफरेंस बताना मुझे। मैं बता दियो कि पिछले 5-6 दिन में मैंने ये वीडियो बनाने का क्यों सोचा, मैं सोई, ठीक है, और गर्मी बहुत एक्सट्रीम थी, बहुत ज्यादा, तो मैं जनरली 24-23 टेम्परेचर प्रेफर करती हूँ। तो उस दिन क्या था कि टेम्परेचर बाय चांस 16 पे रह गया, और नेक्स्ट डे सुबह मेरा पूरा गला चौक, इसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस, और इट्स बीन 3-4 डेज, वो ड्राइनेस स्टिल वहां पे है, जो उसी की वजह से हो रही है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस, सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा कि हम उठ पाए। तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है, और कोई भी बीमारी है हमसे बेफिक्र होकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो एसी के अंदर हवा आ रही है, बाहर से वो उसको खींच रहा है, भेज रहा है, कूल कर रहा है, जो भी उसकी पूरी प्रोसेसिंग है, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, इम्प्योर एयर भी है, आपको क्या पता कि उसमें पॉल्यूशन है नहीं है, कैसी एयर को वो कर रहा है। बोलने से अगर सारी चीजें होने लगे तो फिर तो यार हर चीज सक्सेसफुल हो जाती।
तो सोचिए और समझिए कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। और प्लीज जब आप ये चीज फील करेंगे ना चेंजेस को, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहे। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।